क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके कैटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके कैटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके कैटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। क्या हुआ था? सब इनकी शादी मोहब्बत की थी तो पहले कोर्ट मेरी करने गए थे, तो वहाँ से इसके भाई ने फोन लगा के बोला नहीं मैं घर से इज्जत से मेरी बहन की करूंगा, लेके आ जा। तो हम लोग ने उसको बोले नहीं चल घर से इज्जत से कर रहा तो लेके चल। तो हम लोग घर लेके आए, घर पे जो भी मतलब लड़की कुंवारी थी उसको हल्दी वगैरह दो दिन लगी, सब पूरा हमने सामान लाए, खाना वाना हमने करे वहां पर लड़की के ही घर पे, वो सब हुआ। उसके बाद में निकाह होती वक्त उसके भाई का फोन आया, बोले सोएब अगर तूने मेरे बहन से निकाह करा तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। तो हम लोग वहां से उठ के आने लगे, निकाह नहीं हुआ। फिर हम लोग वहां से आए तो लड़की भी घर में से निकल के हमारे पीछे भग के आ गई, बोले नहीं मैं भी बोले इन्हीं के साथ जाऊंगी भले मेरे घर वाले मना करे चाहे। तो फिर हम लोग लेके उसको घर आए, फिर घर आए तो संडे का दिन था, कोर्ट बंद थी, तो फिर हम कोर्ट नहीं जा पाए। फिर लड़की एक दिन मतलब घर ही रही हमारे, और फिर दूसरे दिन कोर्ट जाने का बोले तो बोले नहीं, और उसका फिर तो घर से ही हमने जाती हुई जैसे निकाह होता है वैसा, फिर हमने घर से मेरे घर से निकाह करे मौलवी साहब को बुलवा के। फिर उसके बाद में इनका निकाह हुआ, फिर ये हंसी खुशी दोनों मियाँ बीबी अलग किराए से रहता था सोएब, हंसी खुशी रहने लगे। तो लड़की का जो घर है इसके खुद के नाम पे, तो लड़की ने सोएब से जहाँ किराए से रहता था वहां से खाली करवा के बोली नहीं अब मेरे घर पे ही चलो आप रहने। तो लोग वहां गए तो यानी रोज उसके भाई का और बहन का बहनवाई का इनका फोन आता था कि सोएब का मर्डर कर देंगे। तो हम बोलते थे भाई तुम मत रहे, तो ये इसकी घरवाली कहती थी नहीं मेरा मकान है मैं तो वहीं रहूंगी बोले लेके। और फिर रात को और इनके कुछ झगड़े हुए और वो सोएब सुबह निकला घर से जलेबी वगैरह लाने यासीन पढ़ाने के लिए, और उतनी देर में बोले ये हादसा हो गया, उसकी घरवाली बताई बाजी ये हादसा हो गया। मारने वाला लड़की का भाई है। लड़की कहाँ की मिलने वाली? लड़की कॉलोनी बेड़ी पे की। लड़का गुलशन नगर का। ये ताई से मारपीट करा सर? मर्डर करा है, चाकू लगे हैं बहुत। क्या चाहते हो आप? हम तो बस यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमको इंसाफ मिले और उसके घर पे बुलडोजर फिरे, बस मैं तो यही चाहती हूँ हमको इंसाफ आज ही मिलने को होना मकान के। हाँ, और उसी मकान पे अभी बुलडोजर फिरने को होना। हाँ, लड़की का भी है और लड़के का भी है, मतलब आप कौन हैं? मैं उनकी सिस्टर हूँ, सानू खान। सर ये हुआ है कि मैं मुंडी में था, मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई का बोले मर्डर हो गया है, वहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला किसने करा तो बोले मालूम नहीं है, बाकी मर्डर हुआ है बोले तो आके देख ले। अब मैंने फोन लगाया मेरे घर वालों को, घर पे भी किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा हुआ है। फिर मैंने फोन लगाया तो घर वालों ने जाके देखे तो बोले हाँ मर्डर हो गया, बोले उसका इंतकाल हो गया। मैं आया मैंने भी देखा, मैंने बोला हाँ वो हुआ है। फिर हमने उसको अस्पताल लेकर आ चुके थे घर वाले, उसके बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए गया, पुलिस प्रशासन के अंदर रिपोर्ट उपोर्ट भी लिखाई, बाकी वहां से भी अभी कहीं हुआ नहीं है। अब हमको ये चाहिए कि उसकी अरेस्ट तो हो गई है। विवाद इस बात का था कि लड़की से शादी करा था, उसका भाई राजी नहीं था और उसकी बहन भी राजी नहीं थी, बाकी लड़की और मेरा भाई तो राजी था मतलब शादी करने के लिए। अब इन लोगों ने शादी करे, कोर्ट में गए, कोर्ट में कोर्ट मेरी गई अच्छे से, निका हुआ घर पे लाने के बाद में खाना दाना भी बढ़िया हुआ, हल्दी लगी दुल्हन को दूल्हे को भी लगी, सबको अच्छा हुआ। उसके बाद में उसका भाई ये बोलता था कि तू जब भी रोड पे दिखेगा मेरे को मैं तेरे को पकड़ा दूंगा, और आज उसको रोड पे दिख गया तो उन्होंने उसका आज मर्डर कर दिया। उसकी घर वाली अकेली नहीं छोड़ती थी और आज उन्हें अकेली छोड़ दी, तो उसका उसने मर्डर कर दिया। और अब उसका नाम है इरफान जी, जी इरफान ने मारा। और अब हम ये चाहते हैं कि उसका मकान भी टूटे जिस मकान के पीछे उसका मर्डर हुआ है, और उसकी उम्र कैद की सजा हो और मेरे हिसाब से तो फांसी हो जाए, ये सजा हम चाहते हैं। हमको इंसाफ होना सर, और इंसाफ अभी होना। अभी हम यहाँ से जाएंगे मुगट, मुगट पे धरना देंगे, हम लाश जब भी उठाएंगे डेड बॉडी जब हमारे को उसका मकान टूटा हुआ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उसके बाद में हमारे भाई को लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शाहनवाज खान जी, सगा भाई। की लड़की उससे मोहब्बत करती थी क्या? भाई मना करता था,
हमने कोर्ट में की कोर्ट में से मैं वापस ले आया कि भाई मैं घर से अच्छी शादी करूँगा तुम्हारी। लाने के बाद में सर जिस दिन इतवार का दिन था 23 तारीख की बात है, उस दिन हम सब सामान लेके उसके घर गए तो वहाँ पे हमने मना कर दिया, आए नहीं। उसके बाद में आप लड़की जो तो हमारे साथ में घर आ गई हमारे कि मैं तुम्हारे घर से गलती हूँ उससे। उसके बाद जब पीर के दिन कोर्ट खुली, कोर्ट में भी करवा, उसके बाद में घर ला के निकाह करवा दिए। उसके बाद में उसको झोंक देता रहा ये सर को जब जोर में फैला दूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, क्योंकि मैंने मना करा था कि मेरी भूल से मत करना। सर उसकी भूल राज थी उसने कर लिया उसके ऊपर से, उसका साल उसका और नाम तो मालूम नहीं, वो भी उसको ढूंढ गया था सुबह में रह रहे थे वहीं पर ही। ये बात थी मारने वाला लड़के का साला है, इरफान नाम है, दूसरी चप्पल की दुकान है। आज क्या हुआ था? आज का मुझे कुछ मालूम नहीं था। आप कौन हैं? मैं पिताजी हूँ। मतलब इनका नाम क्या है? शोएब खान। क्या नाम है? मैं निसार खान।